हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो? तो वेलकम बैक माय चैनल। तो सॉरी गाइस, कई दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो आज हम जाने से पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे। तो चलो, तो फिर हम जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा सुबह का नाश्ता तो कप में चाय है और ये टोस्ट है, तो आप देख सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। बहुत ही अच्छी चाय बनाई है हमारी मॉम ने। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने पहले बात की थी कि हम दो जगह जाने वाले हैं, वो मेरा पुराना ओल्ड होम, वहीं पे हम जाने वाले हैं, और दूसरी जगह हम दर्शन करने जाने वाले हैं टेंपल से, वहीं पे जाने वाले हैं। तो चलो, तो फिर हम निकलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम निकल चुके हैं हमारी एक्टिवा लेके, और मैं मेरे मम्मी पापा के साथ आया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम नज़ारा बहुत ही अच्छा हो, सवेरे सवेरे हम निकल चुके हैं गाइस। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मौसम है और नेचर बहुत ही अच्छा है। तो हमारा ओल्ड विलेज का नाम है बिल्लिया है, तो हम वहीं पे जाने वाले हैं। हमारे पहले मम्मी पापा यहीं पे ही ओल्ड विलेज में रहते थे, वहीं पे हम जाने वाले हैं। और यहाँ बिल्लिया से बेसरा जी आपको शॉर्ट रास्ता पड़ता है, और आपने मेरे वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके वो बेसरा जी वाला वीडियो देखे। तो फाइनली हम हमारे ओल्ड होम पहुँच चुके हैं, जिसका गांव का नाम है बिल्लिया गांव है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, और तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे हमारा ये ओल्ड होम था। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा पहले रहते थे, अब हम हारिस रहते हैं। तो बहुत ही पुराना हो चुका है हमारा ओल्ड होम, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, तो फिर दिखाता हूँ। फाइनली गाइस, यहाँ पे पहले मेरे मॉम और डैड रहते थे ये ओल्ड होम में। यहाँ के अंदर दरवाज़ा बंद है अभी, तो देखता हूँ। तो ये हमारा ओल्ड होम था। यहाँ तो अभी सब जाम हो चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ओल्ड होम था। तो आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही पुराना और बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये है हमारा पुराना मंदिर है, हमारा श्रीगोता माता जी का टेंपल्स थे। तो आप देख सकते हो ये मेरे मॉम है और मेरे डैड के साथ आया था। तो आप देख सकते हो ये मंदिर है, और इसके अंदर पहले हमारे घंटी और साइकिल के सब होता था। अभी तो कुछ भी नहीं बचा है, सब ले लिया है। तो यहाँ पे ऐसा होता था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा ओल्ड होम था। अरे फ्रेंड्स, मैं आपको पीछे का लुक दिखा दूँ कैसा है हमारा घर का। तो ये पीछे हमारा घर है ओल्ड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे, सब यहाँ पे गिर चुका है, ये पीछे का है, तो आप देख सकते हो। इसके अंदर हम चलते हैं। इसके अंदर दरवाज़ा बंद था, तो इसके अंदर चलते हैं तो क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ के अंदर हम पहुँच चुके हैं, हमारे घर के अंदर हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही ओल्ड है और थोड़ा सा टूटा फूटा है। मेरे मम्मी पापा यहाँ पे, हमारे बड़े पापा और छोटे पापा भी यहाँ पे रहते थे सब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ओल्ड होम यही है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ के शंकर भगवान का ये फोटो लगा है, बहुत ही ओल्ड है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दरवाज़ा है, बस इतना ही है। मैं आपको यहाँ पे ये
हटाना पड़ेगा, नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये दरवाज़ा जाम हो गया। तो गाइस तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा रूम था, इतना ही रूम था। तो आप देख सकते हो ऊपर छत है, तो यहाँ पे हम फिर से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दरवाज़ा बंद है इसलिए ये मैंने आगे का दिखाया था वो वहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे घर के, पुराने घर के बीच में अंदर खड़ा हूँ रूम में, तो आप देख सकते हो। तो चलो तो फिर हम बाहर निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पुरानी चीज़ यहाँ पे गिर सकती है इसलिए। तो चलो तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पीछे का लुक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ के काफ़ी सारे, यहाँ पे सारा ये सब उगा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ताला लगा है तो अभी हम देख नहीं सकते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पीछे का लुक है हमारा ओल्ड होम का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो आगे का लुक है। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम अब निकलने वाले हैं, अब दूसरी जगह हम जाने वाले हैं। तो चलो तो फिर हम चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम जाने वाले हैं, हम पिल्या विलेज के बीच में ही वो आता है। तो इस का विलेज का नाम है वाकेल है, जिसका नाम है बहुत ही अच्छा, और सभी यहाँ आसपास के लोग दर्शन करने आते हैं विलेज में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड आ चुका है वाकेल का। तो हम विलेज में एंटर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गणपति का विसर्जन करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, आसपास के लोग, हम भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एंटर हो चुके हैं वाकेल के अंदर, गणपति का विसर्जन करने के लिए टेम्पल देख सकते हो। यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं, आप आगे देख सकते हो, आगे रास्ते आगे हम पहुँच चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि अब हम पहुँचने ही वाले हैं। तो आप देख सकते हो आगे रास्ता है, वही पे हम ऊपर की ओर जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो बहुत छोटा गांव है, बहुत ही अच्छा, और यहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छी और बहुत ही मीठी मिलती है यहाँ पे फार्म में, बहुत ही अच्छी मिलती है। तो देख सकते हो आप टेंपल्स के अंदर हम पहुँच चुके हैं गाइस। तो आप देख सकते हो एंटर हो चुके हैं हम। हे गाइस, तो हम अब वाकेल पहुँच चुके हैं। तो चलो तो फिर आप देख सकते हो ये एंटर होने का दरवाज़ा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलो तो फिर हम देखते हैं। तो मैं आगे का लुक दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस ऐसे गो माता जी का मंदिर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे दीवार नहीं थी, अभी दीवार बनाई गई है। ये इसके पीछे तला है, मैं आपको दिखाऊँ। फ्रेंड्स, तो ये पीछे गार्डन है, पूरे का पूरा गार्डन है, तो आप देख सकते हो। तो ये बैठने की जगह है, तो आप देखो तो बहुत ही अच्छी, और बहुत यहाँ पे वाकई लोग गणेश चतुर्थी अभी गई, सब सारे गांव वाले, विलेज वाले, आसपास के लोग यहाँ पे तला है पीछे, वहीं पे विसर्जन करने आते हैं गणेश जी का। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो तो फिर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे
गार्डन है, बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हो बैठने की जगह और बहुत ही सुपर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलो तो फिर आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जगह है। तो फाइनली गाइस, तो आप देख सकते हैं ये, तो देख सकते हो इस जगह बहुत ही अच्छी। और आप देख सकते हो, तो आप पीछे देख रहे हो वही जगह है जो जो लोग गणेश चतुर्थी के बाद यहाँ विसर्जन करने को आते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है ये, आप देख सकते हो बहुत ही लुक अमेजिंग आ रहा है गाइस। यहाँ पे हम यहाँ पे अब जाने वाले घर की ओर। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो दूसरा ब्लॉग जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और गाइस मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी फॉलो करना ना भूले। तो थैंक यू गाइस, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। चलो तो फिर बाय।